आज शामीर का प्लास्टर खुलेगा, आप उसे हॉस्पिटल ले जाइएगा टाइम पर। मेरी ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, उरुसा से कहो कि वो चली जाए। हाँ वो उरुसा पे याद आया, उरुसा कहाँ है, क्या अभी तक सोकर नहीं उठी? जाओ बेटे लेकर आओ ना उसको, बुला के ला। दादा वो घर पर नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ चली गई सुबह सवेरे? रात को उनका और मीरू भैया का झगड़ा हुआ था। झगड़ा हुआ था? क्यों? पता नहीं, मुझे तो आनिया बता रही थी कि मीरू भैया ने उन्हें घर से निकाल दिया। हजार दफा मैंने तुम्हें समझाया, मियां बीवी के मामले में मत घुसा करो, जाओ जाके चाय गरम करके लाओ। ये आखिर तमाशा हो क्या रहा है, मुझे भी तो कोई बताए, इसका मतलब है तुम्हें पता था सब कुछ? खुदा का खौफ करें जलील साहब, आपके सामने मैंने पेन किलर लिए फौरन सो गई, मुझे क्या पता वो कब आई। अरे मुझे तो लगता है शामीर ने वही हॉस्पिटल जाने वाली बात के ऊपर झगड़ा किया होगा। हाँ तो नहीं जाना चाहिए था उसको अपने शोहर की इजाजत के बगैर। मैं देखता हूँ अगर तुम्हारा बेटा खुदा न खास्ता हॉस्पिटल में हो तो तुम नहीं जाती क्या, या तुम्हारी बेटियाँ? अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरा बेटा तो पहले ही बेड पर पड़ा हुआ है और आप ऐसी मनहूस बातें कर रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ खुदा का खौफ करो, होश के नाखून लो। मैं पहले ही ये बट्टे सट्टे की शादी के सख्त खिलाफ था, अब उरुसा के जाने के बाद तुम भी अपनी बेटी के लिए तैयार हो। तुम्हारे अब्बा को तो दिमाग ही चल गया, अब मेरी बेटी ने क्या किया है? अरे वो ठीक तो कह रहा है, तुम बच्चे को समझाओ ना। आपने समझाया अपने नवासी को जिसने दोनों घरों का सुकून बर्बाद करके रख दिया है? क्या जरूरत थी तुम्हें इतने हंगामे करने की? क्या जरूरत थी उरुसा को वहां जाने की जब मैंने उसे मना किया था वहां जाने से? तो उसमें उसका नहीं तुम्हारे बाप का ज्यादा कसूर है, दौड़ा पड़ा हुआ आजकल उनको इंसानियत का। बाबा ने उसे कहा और वो मुंह उठाकर चल पड़ी अपने बेगैरत भाई से मिलने के लिए। तो मुंह उठा के तो आनिया भी चल पड़ी, उसे भी तो होश के नाखून लेने चाहिए ना। मम्मी उसे तो इमाद जबरदस्ती लेकर गया होगा ना। जो कुछ भी है नहीं जाना चाहिए था आनिया को वहाँ। मम्मी ये उनके घर का मामला है, उरुसा को हमारे घर में हमारे मुताबिक चलना पड़ेगा, वरना पड़ी रहे अपने माँ बाप के घर पे वो। अच्छा छोड़ो, तुम तो चलो भाई प्लास्टर उतरवाओ, मुझे तो ये फिक्र है कि कोई नया मसला ना खड़ा हो जाए। मम्मी अगर आपकी किस्मत में कोई मुसीबत लिख दी गई हो ना तो वो होकर रहती। अच्छा छोड़ो इन सब चीजों को, उरुसा को फोन करो, उसे वापस आने का कहो। हरगिज नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। बेवकूफ लड़के, बात का बतंगड़ बन जाएगा खामखा और आनिया के लिए कितनी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। अम्मी जितनी उसने मुश्किलात से गुजरना था ना वो गुजर चुकी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ चलें प्लीज डॉक्टर के पास। और तुम्हारे बाप का जो इतना सख्त मूड ऑफ है, कोई पहली दफा हुआ है? हर दफा होता है, खुद ही ठीक हो जाएंगे वो। आप प्लीज अकबर को बोले गाड़ी निकाले, मुझे इचिंग हो रही है। ठीक है तुम्हें निमटना अपने बाप से।